10th maths CBSE NCERT solutions exercise number 2.4 optional exercise hai. If the third question is ka, if the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b a and a plus c, find a and b. a और b की वैल्यू निकालनी है, जीरो जिसमें दे रखे हैं. सबसे पहले पॉलीनोमियल को पी एक्स सिलेक्ट कर लो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. इसमें जो कॉफिशियंट है ना, स्मॉल ए इसमें यूज कर लिया तो कैपिटल ले ले लो. एक्स कॉफिशियंट कितना है, वन. इसी तरह से बी माइनस थ्री हो गया और सी हो गया प्लस वन एंड डी हो गया हमारे पास में ऑल्सो प्लस वन. अब जीरोस दे रखे हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ले लो. ये तीनों दे रखे ए माइनस बी, ए बीटा की वैल्यू ले लो और ए प्लस बी जो थर्ड जीरो है उसको गामा. अब सम ऑफ जीरो का कंसेप्ट है ना हमारे पास में, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए. ये कैपिटल लेटर्स इसलिए लिए, स्मॉल लेटर्स ने खुद ने यूज कर लिया इसमें. अब माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री. यहां पर ए की वैल्यू वन है. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है, ए माइनस बी. प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, ए एंड प्लस ए प्लस बी. जो वैल्यू लिख दी, बी से बी कैंसिल, ए ए ए कितना हो गया, थ्री ए. इक्वल्स टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस माइनस हट जाएगा प्लस थ्री. ये थ्री इसके अपॉन में चला जाएगा तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री अपॉन थ्री दैट इक्वल्स टू वन. ए की वैल्यू तो मेरे पास आ गई. अब मेरे को इसमें वैल्यू निकालनी किसकी है, बी की. एक कंसेप्ट और पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए. डी कौन सी कॉन्स्टेंट टर्म और ए कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है. अल्फा का मतलब ए माइनस बी, बीटा मतलब ओनली ए एंड ए गामा हो गया ए प्लस डी. इज इक्वल्स टू माइनस डी की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म इसमें कितनी, वन थी. क्वेश्चन जो देर का जो पढ़ने में देर का उसके अंदर ए कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, वन. ए माइनस बी, ए की वैल्यू वन निकली है, माइनस बी. ये तो वन इंटू दिस ये रह जाएगा सेम एंड वन प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस वन. यहां पर देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास में, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमारे पास वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इंटू वन तो छोड़ दे माइनस वन. अब आप इसमें या कंटिन्यू है ना इसके अंदर इम्प्लाइज दैट यूज करते रहे. अब बी स्क्वायर राइट साइड ले जाए और इस वन को लेफ्ट साइड, प्लस का वन हो जाएगा ये बी स्क्वायर हो जाएगा. तो मेरे पास कितना आ गया, टू इज इक्वल टू बी स्क्वायर दैट एम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा तो प्लस माइनस रूट टू. ये इसका आंसर हो गया. ए की वैल्यू वन आ गई और बी की वैल्यू प्लस माइनस, ये माइनस है ध्यान रखें ना, ये माइनस माइनस रूट टू. तो प्लस रूट टू भी होगा और माइनस रूट टू भी होगा बी की वैल्यू, जबकि ए की वैल्यू कितनी रहेगी, वन रहेगी. ये इसका आंसर है. अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो. क्वेश्चन नंबर फोर, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव आर टू प्लस माइनस रूट थ्री, फाइंड अदर जीरोस. अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पॉलीनोमियल दे रखा है ना उसको पी एक्स कंसिडर कर लो. एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव. अब टू जीरोस दो दे रखे हैं,
टू जीरोज आर टू, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में लिख दो, ठीक है ना। अब देयरफॉर एक्चुअली ये जीरो यानी एक्स की वो वैल्यू है जिनको यहां पर पी एक्स में रखा जाए ना, तो जीरो आंसर आएगा, इसलिए इनको जीरो बोला हुआ है। मीन्स ये क्या है, एक्स की वैल्यू जो है टू प्लस रूट थ्री है, एंड और क्या है, एक्स इक्वल्स टू टू माइनस रूट थ्री है। अगर मैं इनको ट्रांसफर कर लू ना तो माइनस टू और ये माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एंड यहां से आ जाएगा एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब वो फैक्टर निकालना है अगर जिससे कि ये जीरो बने हैं, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहां बहुत ध्यान से कुछ देखना क्या स्टेप बनता है। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये तो हो जाए ए का काम करेगा, ए माइनस बी, तो वापस देखो ये इसी का रिपीटेशन है, ये रूट थ्री वापस है, यहां माइनस और प्लस का ही फर्क है खाली। इसको आप फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, तो फर्स्ट माइनस सेकंड है और ये फर्स्ट प्लस सेकंड है, तो मैं कह सकता हूं ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर दो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए कौन है एक्स है, बी कौन है टू है, प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया फोर एक्स, और ये हो गया प्लस का वन। ये क्या हो गया, दिस इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब एक फैक्टर है, मतलब दूसरे फैक्टर भी अवेलेबल है, तभी तो जीरो निकलेंगे। ये जो जीरो जाए ना उसका फैक्टर ये है, तो हमें एक फैक्टर और चाहिए, तो एक फैक्टर और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पी एक्स है ना उसके अंदर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से एक फैक्टर और आ जाएगा, और उसको जीरो रखने से हमारे को अदर जीरो मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप करेंगे इसको, कॉपी करवाते हैं पहले इसको, तो अब इसको हटा दो। टू फाइंड अदर जीरोस वी डिवाइड पी एक्स बाय दिस फैक्टर, फैक्टर कौन है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये प्लस वन है, कर दो डिवाइड, इससे एक फैक्टर मिलेगा, जो क्वोशेंट आएगा ना उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, अदर जीरो रखेंगे, कॉपी तो करिए ना, आपके पास तो नोटबुक है तो आप कंटिन्यू लिखेंगे इसको। अभी पी एक्स की वैल्यू है ना, इसमें डिवाइड कर दो इसका, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और ये प्लस वन का, यहां एक्स की पावर फोर है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर फोर आ जाएगी, इसने इसको मल्टीप्लाई किया एक्स टू पावर फोर, इसने इसको किया माइनस का फोर एक्स क्यूब, इसने इसको किया प्लस का एक्स स्क्वायर, ध्यान से केयरफुली स्टेप टू स्टेप, ये पॉजिटिव है, साइन चेंज करेंगे ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, बहुत केयरफुली। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट, माइनस का सिक्स एक्स क्यूब प्लस का फोर एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स क्यूब, ये दोनों माइनस का ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन हो जाएगा एक्स, दोनों माइनस के, प्लस वन हंड्रेड थर्टी एट एक्स एंड माइनस का थर्टी फाइव, डिवाइड तो खूब किए हुए इस चैप्टर में, खूब कर लिया अपन ने। अब देखो यहां माइनस का टू आया एक्स क्यूब, यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना वन है, तो यहां माइनस टू चाहिए, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, पावर कितनी कम पड़ रही है, ये टू है यहां थ्री है, एक एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टू एक्स इसको करेंगे कितना आएगा माइनस टू एक्स क्यूब, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ रहा है इसके साथ ही लिखेंगे, ये फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर। अब इसने इसको किया माइनस का टू एक्स, देन अब वापस साइन चेंज कर दें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, दिस एंड दिस कैंसिल आउट,
ये माइनस का कितना हो गया देखो 35x² प्लस ये 140x एंड माइनस का 35। अब x² और ये x² है, यहां माइनस 35 है तो यहां 1 होने के कारण माइनस 35 कर लो आप। यहां माइनस 35 इंटू x² कितना आएगा, माइनस का 35x², इसने इसको क्या माइनस माइनस प्लस 70 और 140 आ रहा है ना, प्लस का 140x, इसने 1 को किया माइनस का 35, साइन चेंज करो प्लस माइनस और ये प्लस। देखो आप ऑब्जर्व करो ऑपोजिट साइन है, सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो कोशेंट है ना वो हमारे पास अदर फैक्टर हो गया। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलीनोमियल अपन ने पढ़ा था, px इक्वल्स टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई x² माइनस 4x प्लस 1 एंड रिमाइंडर तो 0 है, माइनस का 2x एंड माइनस 35। अब आप इसको फैक्टराइज करें तो मेरे पास आएगा, ये तो एज इट इज रखे, इससे तो जो 0 मिलने थे वो ऑलरेडी गिवन है, इसको तो स्प्लिट करने की जरूरत है नहीं। इसके अंदर ध्यान दें एड करने से माइनस 2 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 35 चाहिए, माइनस आया है इसका मतलब दोनों जो इसके स्प्लिट करूंगा ना तो दोनों अपोजिट साइन के होंगे, बीच में माइनस है इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। तो 7 5 4 x² माइनस का 7x और प्लस का 5x एंड माइनस का ये 35 आ जाएगा। कॉपी करो फटाफट, इसको रब करना पड़ेगा। जो px मिला ना उसको देखो, therefore px हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, इसको छेड़ना ही नहीं है तो इससे वही 0 मिलेंगे जो ऑलरेडी गिवन है, मैं इधर 0 से मतलब है। तो आप दो का पेयर बना दो, ये इसमें से x कॉमन ले लें तो बचेगा कितना x माइनस 7 एंड यहां इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें x माइनस 7। अब हाथ पैर फूलने लग गया क्या, मत घबराओ बहुत नजदीक है आंसर के। अब x माइनस 7 और ये x प्लस 5। अब देखो अदर जीरो से मतलब है ना, फॉर अदर जीरो this and this must equal to 0, x minus 7 0 हो जाएगा और एक x plus 5 equal to 0, तो x equal to 7 इसको क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि इससे जो होना था ना वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो 0 ऑलरेडी गिवन है तो 7 राइट साइड ले गए और यहां से x equal to क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा। therefore 7 and minus 5 are अदर जीरोज ऑफ पीएक्स। अब इस क्वेश्चन में अदर जीरोज ही पूछे थे, अगर आपको इसके अंदर ऑल जीरोज के बारे में बात कर ले, वैसे पूछा नहीं है, अगर कहते हैं राइट दी जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल तो वो जीरो भी लिखने होते हैं जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, पूछा नहीं है फिर भी अगर बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कोई तो लिख देता हूं। देयरफॉर ऑल जीरोज ऑफ पी एक्स लिखना आ जाए तो दो तो ऑलरेडी मेरे पास पता थे, 2 + √3 2 - √3 इसको एक साथ ज्वाइंट करेंगे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, एक 7 एंड क्या आ जाएगा माइनस का 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कब लिखना है सारे जब ऑल जीरोज पूछे, अदरवाइज ये बेस्ट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है केयरफुली करें इसको। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द पॉलीनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल x² माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। तो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी अपन ने, उसके अंदर अगर मैं
इसके अंदर इस पॉलीनोमियल में इसका डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये आएगा, तो ये x प्लस a रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है, तो इसके अंदर डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस k, पॉलीनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब आप इसमें देखो रिमाइंडर तो ऑलरेडी मेरे को पता है कितना x प्लस a, अब इसको कैसे यूज करते हैं वैल्यू निकालने वो देखते हैं। इसका डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k का, तो सबसे पहले देखो डिवाइड जाएगा कितनी बार, यहां x की पावर 4 है या x स्क्वायर है, तो पावर कितनी कम पड़ रही है, 2 कम पड़ रही है, यहां x स्क्वायर लिख दो। अब x स्क्वायर ने इसको मल्टीप्लाई किया x टू दी पावर 4, इसने इसको किया माइनस का 2x क्यूब, इसने इसको किया, यहां देखो ध्यान से ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करें, अब ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, माइनस का 6 और ये प्लस का 2, माइनस का 4 एक्स क्यूब, और यहां ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर तो कॉमन रह जाएगा दोनों में ना, और यहां आ जाएगा 16 माइनस के। अब हमारे पास नेक्स्ट है 25x और ये प्लस का 10। अब आप देखो कितनी बार जाएगा इसमें माइनस 4x टाइम्स x स्क्वायर है ना, यह x क्यूब है इसके, तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको करेगा प्लस का 8x स्क्वायर, प्लस का 8x स्क्वायर, इसको इस करेंगे तो माइनस का 4kx, माइनस 4kx k, ये k और ये x। अब आप इसमें ये देखो साइन चेंज होगा, ये प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, इसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस का 8 है, यहां प्लस का 16 है, तो 16 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, माइनस के एज इट इज, और एक्स स्क्वायर तो दोनों में कॉमन रह जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों में एक्स कॉमन रख लो, बार प्लस यूज करो, इजी रहता है, ये हमारे पास 4k, इसका आएगा माइनस का 25 एंड प्लस 10 इसके एज इट इज। अब देखो डिवाइड कितनी बार जाएगा, यहां तो एक्स स्क्वायर है, ये 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अलावा कितना 8 माइनस के है, यहां भी 1 है, तो इसको लिख देंगे 8 माइनस के, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान से माइनस 2x है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस का 2 है, ध्यान रखें माइनस को यहां रखें और 2 को अंदर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 माइनस का 2k और x को ये आ ही जाएगा, उसके बाद भी ध्यान से देखें अब k है ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 8k और k इसको करेगा तो माइनस का, ये k स्क्वायर आएगा भैया ना, k स्क्वायर, बहुत केयरफुली, ये माइनस यहां प्लस है ना, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी साइन चेंज कर दो, ये भी साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा इसका ना। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन बची है बस, ठीक है थोड़ा सा इधर लिख दे, जगह लग जाएगी, यहां पर x लिखते हैं, तो अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, अब कैलकुलेट कर लो आप, ये प्लस काउंट होगा इसका, पहले माइनस था, अब देखो माइनस का 2k और प्लस का 4k, ओनली 2k, एंड ये प्लस का है ना, प्लस का 16 और माइनस का 25, ध्यान दो माइनस का 25 प्लस का 16 कितना आएगा, माइनस का 9, यहां पर k स्क्वायर को पहले लिख दें, प्लस का k स्क्वायर माइनस 8k और ये प्लस 10, माइनस का ध्यान रखें 8k, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल्स टू 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k एंड प्लस 10 आया है।
लेकिन क्वेश्चन ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस ए, दिस मस्ट इक्वल टू x प्लस ए। इसने खुद ने कहा भी x प्लस ए होना चाहिए, आया तो मेरे पास ये। अब इससे x प्लस ए क्यों लिखा, क्योंकि रिमाइंडर जो हमने इससे फाइंड किया वो तो ये है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्लियर। अब हमें वैल्यू एक k की निकालनी है और एक a की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि मेरे को ये दोनों इक्वल वैल्यूज मिल जाए, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कैसे करते हैं इसमें ध्यान से देखो, यहां का जो x का कोफिशियंट, मतलब इसके अलावा कितना वन लिखा हुआ है, यहां x का कोफिशियंट कितना है ये वाला, ये दोनों सेम होंगे तभी तो इक्वल होगा, ये कहना चाहता है ये दोनों इक्वल तभी होगा, तब ये वन है तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाए, वन बन जाए। तो इस चीज को अपन कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कॉपी कर लो पहले, बता सकता हूं। अब आप क्या लिखोगे इसमें, ऑन कंपेयरिंग 2k माइनस 9, इसका कॉफिशियंट और इसका कॉफिशियंट सेम होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 होगा, एंड कांस्टेंट टर्म कितनी है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 मस्ट इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको हटा सकते हैं, यहां से 9 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो आप, 1 प्लस 9 तो 2k इक्वल्स टू कितना हो गया 10, देयरफॉर k इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, दैट k इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास में, ये 5 आ गया, k की वैल्यू तो आई। अब ये वैल्यू किसकी निकालनी है, a की, तो ये k की वैल्यू यहां पर यूज कर लो, यहां आ जाएगा k की वैल्यू पुट करने से 5 का स्क्वायर, यहां 5 एंड प्लस 10 इक्वल्स टू a, मीन्स ये 25 माइनस का कितना हो गया 40 प्लस का 10 इक्वल्स टू a, कितना हो गया 35 एंड माइनस का 40 माइनस का 5 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, तो k भी आ गया और a भी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप चलते रहे, केयरफुली करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।